हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी रियलमी का मोबाइल है जो कि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको घर में कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों देखिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरा अनोखा टेक्निक चैनल में वीडियो बनाया हुआ है और उसमें जो है मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हर एक का डिवाइस ऑन हो जाता है जो ट्रिक मैंने बताया है, तो आप भी इस वीडियो को देख के अपना मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो चुका है तो ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, क्योंकि आगे आपका कुछ ना कुछ काम में तो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक चीज बताऊंगा, अगर आपका कोई भी पोको X3, पोको X3 प्रो, पोको X2 या तो दूसरा कोई भी कंपनी का मोबाइल है जिसमें कि आपको मदरबोर्ड चेंज होगा बोल रहा है, या तो बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है 5,000, 6,000, 7,000, तो आप हमें भेज के कम पैसा में रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर में वीडियो में आखिर में दे दूंगा, कहीं पे भी दे दूंगा, आप वीडियो को आगे तक देखते रहो। तो दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का मोबाइल है, सोच लो मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, ये है रियलमी का X50 Pro 5G, ये अभी ऑन है। सोच लो ये काम नहीं कर रहा है, आपका कोई भी रियलमी का मोबाइल हो। दूसरा और एक मोबाइल भी है, ये है रियलमी का 3 Pro, दोनों रियलमी का ही मोबाइल है और मैं दोनों को एक ही साथ दिखाऊंगा आपको क्या करना है अगर आपका मोबाइल अटक जाता है, ऑन नहीं होता है। तो मैं इधर क्या करता हूं, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन तीनों को, अभी देखो मोबाइल ऑन है, मैंने कुछ नहीं करना है। देखो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन को प्रेस करना पड़ेगा। अभी क्या है, मोबाइल सोच लो ऑन है, ठीक है, मैं इसको लॉक कर देता हूं, ये लॉक हो गया, ये देखिए लॉक हो गया। उसके बाद आपका सोच लो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, या तो मोबाइल ऑन है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तीनों बटन को ऐसे तीनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। कुछ भी हो रहा है होने दो, आपको ऐसे प्रेस करके रखना है। तो आपका मोबाइल क्या होगा, तीनों बटन वॉल्यूम का प्लस माइनस पावर बटन तीनों को एक साथ दबाना है और प्रेस करके ही रखना है, छोड़ना नहीं है। देखना आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, देखिए रियलमी का लोगो आके ऑन हो गया। तो फिर और एक चीज इधर आपको दिखाता हूं, ये भी रियलमी का मोबाइल है, कोई भी रियलमी का, ये रियलमी का 3 Pro है, तो इसको भी सेम वैसे ही करते हैं। देखिए तीनों को ऐसे एक साथ दबाया, ठीक है, ऐसे ही पकड़ के रखना, तीनों को एक साथ दबा के रखना, छोड़ना नहीं है जब तक आपका मोबाइल ऑन नहीं हो जाता है, अगर आपका बंद हो चुका है। और अगर आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही मतलब टोटल ऑन टच हो रहा है, तो आप भी ऐसे करके अपना मोबाइल को रीबूट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ऐसा आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली पावर बटन क्लिक कर देना है, मोबाइल ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी ऑन हो गया। देखिए इसमें एक आता है कि अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये रिकवरी मोड में एंट्री हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में पावर बटन क्लिक करना है और नीचे जाना है, रीबूट डिवाइस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, आपका मोबाइल रीबूट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी जो है रिकवरी मोड में भी चल जाता है रियलमी का मोबाइल, ये मोबाइल भी ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो रियलमी का मोबाइल, ये भी ऑन हो चुका है। तो आप ऐसे करके अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर कर, और घंटी का आइकन को दबा के सब्सक्राइब तो कर लो, और घंटी का आइकन को दबा के ऑल में प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।